आपदामप हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महासाय कचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमः सभायै। मादिदं प्रमोदस्थानं विदध्य अस्माकं सौभाग्यात् विशिष्ट वक्तृत्वेन अत्र समागतवती वर्तते महोदया डॉक्टर सोनिया वर्या अत्र समागतवती। अतः एताभ्यः महोदयाभ्यः अहं भूयो भूयो स्वागतं व्याहरामि। वस्तुतः गतेभ्यः दिनेभ्यः यो हि कार्यक्रमः प्रवर्तते संकाय विकास कार्यक्रमः, अस्य कार्यक्रमस्य उपयोगिता वयं सर्वेपि स्मारं स्मारं मोदा महे। अस्य कार्यक्रमस्य वैशिष्ट्यं साम्प्रतं अत्यधिकं वर्तते। अस्माभिः सर्वैरपि मूक इत्यत्र स्वं स्वं पाठं स्वीकृत्य पाठ्ययोजना निर्मेया इति धिया। इदानीं सभा सा सभा नास्ति, अत्र अध्यक्षः न भवति। अतः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः सहसंयोजकाः सहसंयोजिका च सर्वेपि अत्र अभिनन्दार्हाः। इदानीं निवेद्यन्ते अस्माकं ज्योतिषशास्त्रविभागस्य वरिष्ठ आचार्याः महान्तः विद्वांसः, अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कार्यपरिषत्सदस्याः, अत्यन्तं सरलाः वर्तन्ते इमे आचार्याः। एतेषां तत्र सर्वत्र समभावेन स्थितिः भवति, पाठने लेखने समरुचिः वर्तते। अतः एतादृशान् महोदयान् अहम् अनुरुन्धे, कृपया अध्यक्षपदम् अलङ्कृत्य अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति आचार्यः कैलाशचन्द्र शर्मवर्यः। इदानीं मंगलाचरणाय शिवानन्द दुबे महोदयम् आह्वये यत् सः मंगलाचरणं कुर्यात् इति। अत्र उपविश्य करोतु। हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम् नमस्तौ वर्याय। इदानीं सर्वेपि अतिथयः अनुरुन्धन्ते, कृपया मातुः सरस्वत्याः माल्यार्पणं भवेत्। दीपप्रज्वालनेन भवन्तः कार्यक्रमस्य औपचारिकम् आरम्भं कुर्वन्तु इति। अस्माकं वेदविभागस्य आचार्यापि निवेद्यन्ते, शम्भुकुमारझावर्यापि, तेषामपि करकमलाभ्यां दीपज्वालनं भवेत् इति निवेद्यन्ते। अस्माकं मधुबाला भगिनी पुनः दयानां दास वर्याः अपि निवेद्यन्ते, कृपया गत्वा
मातु सरस्वत्याः मंगलाचरणं कुर्वन्तु दीपं प्रज्वालयतु अनेनैव साकं वंदना भवेत् सर्वेभ्यः धन्यताम् आह्वये सर्वेऽपि आचार्याः निवेद्यन्ते अस्माकं वेदमूर्तयः समागताः वर्तन्ते नारायण होस्मनेवर्याः इदानीं मङ्गलाचरणाय ते निवेद्यन्ते अस्माकं होस्मनेवर्याः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् वन्नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेभिरागहि त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वन्नो असि यज्ञिया मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्माजूतावर्षिष्टुतां प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे याम् मेधामृभवो विदुर्याम् मेधामसूरा विदुः ऋषायो भद्राय्याम् मेधान्ताम् विदुस्ताम् मय्यावेशयामसि याम् ऋषायो भूतकृतो मेधाम् मेधाविनो विदुः तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम् कृणु मेधां सायं मेधां प्रातर मेधां मध्यं दीनं परि मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहे हरिः ओम् एतेभ्यः महोदयेभ्यः भूयिशः धन्यवादाः मेधाविनं वयं कथं भवेम इति आचार्याणां मन्त्रेण वयं सर्वेपि ज्ञातवन्तः इदानीं स्वागतस्य विना वर्तते माल्यार्पणाय अहम् अनुरुन्धे अस्माकं साहित्यविभागस्य अध्यक्षाः मे भगिनी डोक्टर् मधुबाला शर्ममहोदया कृपया भवती आगत्य अस्माकं विशिष्टवक्तॄणाम् आचार्य सोनियामहोदयानां स्वागतं भवेत् वस्तुतः आधुनिकयुगः तकनिकीयुगः वर्तते अतः प्रविधेः ज्ञानम् अपेक्षते एव बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सोनिया जी के प्रति अस्मिन्नेव क्रमे निवेद्यन्ते डॉक्टर नारायण होसम मनेवर्याः यत् अस्माकं अध्यक्षानां डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा वर्यानां माल्यार्पणेन स्वागतं कुर्वन्तु इति माल्यार्पणं कुर्वन्ति अस्माकं होसमनेवर्याः स्मृतिचिह्नं प्रयच्छन्ति अस्माकं कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर शशिकुमार शर्मा वर्याः करतल धन्यवादेभ्यः अभिवर्धयामि महोदयान् सर्वान् औपचारिकं यत्किमपि आसीत् तत् सर्वम् अनुष्ठितं साम्प्रतम् अद्यतनीयकार्यक्रमस्य या विशिष्टवक्त्री वर्तते एतासां महोदयानां
वाग्भी स्वागतम भवेत् परिचयः भवेत् तन्निमित्तम् अनुरुन्धन्ते संयोजकाः डॉक्टर शशिकुमार शर्मवर्याः। वागर्थौ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जगद्गुरु रमानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय हो संयुक्त तत्वावधाने समायोज्यमान है कार्यक्रमे अस्मिन् भवताम समेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। परम सम्माननीय अस्य सत्रस्य मुख्य वक्त्री डॉक्टर सोनिया महोदया, अस्य सत्रस्य अध्यक्षः डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा महोदया, अस्य कार्यक्रमस्य सह संयोजकः डॉक्टर दयाराम दास महोदया, सह संयोजिका डॉक्टर मधुबाला शर्मा महोदया, वेद विभागस्य आचार्यः डॉक्टर शंभु कुमार झा महोदया, डॉक्टर होस्मानिया महोदया, शोधछात्राश्च। आज के इस सत्र में जो मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत है डॉक्टर सोनिया जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अभी डॉक्टर सोनिया जी वर्तमान में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं संस्कृत विभाग में। इन्होंने गुरुकुल पद्धति से ही सारा अध्ययन किया है और संस्कृत की परंपरागत प्रणाली से अध्ययन किया है। इसके बाद इन्होंने कन्या गुरुकुल चोटीपुरा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और एमए इन्होंने एमजेपी विश्वविद्यालय रुहेलखंड से एमए संस्कृत किया है। इसके बाद इन्होंने ऋग्वेद के दशम मंडलांतर्गत क्रियापदों का भाषा शास्त्रीय अध्ययन विषय पर 2014 में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने 10 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और 18 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स और संगोष्ठियों में अपना प्रेजेंटेशन किया है। अभी इन्होंने भारतीय काल गणना में प्रमाण पत्र एवं बीए अप्लाइड संस्कृत विषय पर अकादमी कार्यक्रम डिजाइन किया है। यह स्वयं प्लेटफॉर्म पर संस्कृत भाषा और साहित्य पाठ्यक्रम का संचालन कर रही है। आज का इनका टॉपिक है लर्नर्स सेंट्रिक डिजाइन ऑफ मूक्स। इस विषय पर यह अपना उद्बोधन देंगी। मैं मैडम आपका बहुत इसमें कार्यशाला में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने अत्यंत कष्ट उठा करके हमारे इस विश्वविद्यालय में आप आई हैं। मैं आपका बारंबार अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद प्रातृभ्यः। इदानीं अस्माकं विशिष्ट वक्त्री डॉक्टर सोनिया वर्या निवेद्यन्ते यत् स्वकीयं व्याख्यानं प्रयच्छन्तु इति। डॉक्टर सोनिया महोदया, अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यहां उपस्थित सभी परम आदरणीय विद्वद्वृंद, अध्यक्ष महोदय तथा इस कार्यशाला में उपस्थित अध्यापक वृंद तथा अन्य छात्र और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए अन्य जो भी इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यशाला के प्रतिभागी हैं,
सबको मेरा सादर नमस्कार। आज ये जो विषय है, कुछ पहले मैं अपने परिचय में एक संशोधन करना चाहूंगी। पुस्तकें अभी इतनी नहीं लिखी है सर, लेकिन वो शायद कुछ गलती रहेगी। यात्रा, हाँ जी, एक शुरू कर रहे हैं आप, बड़े जनों का उसमें एक मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहे, तो जिससे कि हम अपनी उसी ज्ञान परंपरा को जो सीख रहे हैं संस्कृत, उसको जन सामान्य तक किस रूप में लेकर के जा सकते हैं, उन्हीं पर चिन्हों पर उसी ऋषि परंपरा को हम आगे लेकर के जा रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार अपनी। वो थोड़ा सा टाइम लेती है शायद लाइव होने में। हाँ जी, तो विषय मैंने चुना है लर्नर सेंट्रिक डिजाइन। आज जो हम 3 तारीख से इस स्वयं मूक्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और हम यह जान चुके होंगे कि स्वयं प्लेटफॉर्म पर मूक्स बनाना है, तो हो सकता है कि कुछ बातें मेरी आपको दोबारा सुनने को मिलेंगी, पहले के विद्वान बोल चुके होंगे, और कुछ मेरा जो अनुभव, मैंने 7 साल हिंदू कॉलेज में भी पढ़ाया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के, जहाँ पर बच्चे कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो साइंस साइड से थे, संस्कृत में रुचि नहीं, केवल एक हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी उन्होंने अपना प्रवेश संस्कृत में लिया है, कुछ रुचि लेने वाले भी विद्यार्थी होते थे, तो वहां पर, और एक जैसी गुरुकुलीय पद्धति से पढ़ा, जहाँ अष्टाध्यायी पढ़ी, काशिका महाभाष्य तक हमने पढ़ा, पर जब बाहर आते हैं उनका उतना शास्त्रों के आपस में व्यवहार नहीं, चर्चा नहीं, तो वो पाक्षिको वैयाकरण जैसे कहा जाता है, वो विषय भूल भी जाते हैं। तो कैसे हम कुछ तरीके अपना करके, जो एक सरल पद्धति, जैसे कि पहले हम देखते हैं कि अपनी जो श्रुति परंपरा रही है, उसी श्रुति परंपरा को ऋषियों ने सरल करते करते वेद और वेदांग तक लेकर के आए हैं, तो क्या वो परंपरा अब तक भी हम जीवित रख सकते हैं, उसमें और नए क्या सुधार कर सकते हैं एक समय की मांग के अनुसार। तो जो मूक्स हम बनाए वो लर्नर सेंट्रिक, कि जो एनरोल हो वो उसमें पूरा समय तक संलग्न रहे, उसको पूरा कर सके, और उसको हम रुचिकर कैसे बना सकते हैं कि केवल संस्कृत का ही विद्यार्थी नहीं, बल्कि अपनी ज्ञान परंपरा को भी जो जानना चाहता है, जिसके लिए संस्कृत के अनेक विषयों को सरल रूप से जानना आवश्यक हो, वह उसमें अपनी रुचि कैसे बनाए, हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम हो गया है। तो आज की इसमें जो हम चर्चा, वह 2 है, एक तो टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन स्वयं मूक्स, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम लर्नर सेंट्रिक अपने मूक्स क्यों डिजाइन करें और कैसे डिजाइन करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि जो अपनी ऋषि परंपरा, जो वेदों को हम श्रुति से सुनते थे, बोलते हुए भावों में, वाक्यों में जो उतार चढ़ाव होता है, जिससे वक्ता के भावों को श्रोता तक पहुंचा सकते हैं, जब वो वेद लिखित रूप में आने लगे, उन भावों को कैसे अगली पीढ़ी तक या श्रोताओं तक पहुंचाएं, जिसको ऋषि अपने मुख से उच्चरित करके बोल के समझाता था, अब उसी विषय को लिख करके समझाना हो तो हम कैसे समझाएं। तो ऋषियों ने नई टेक्निक बनाई जिसको हम स्वर कहते हैं। उन्होंने उदात, अनुदात, स्वरित, इन चिन्हों को विकसित किया और इतना साइंटिफिक उन चीजों को मैनेज किया कि आज तक हम उन वेद मंत्रों पर उन चिन्हों को देख करके ये पता कर पाते हैं कि इस शब्द में
किसके अर्थ की प्रधानता है, धातु के अर्थ की कि प्रत्यय की, या यह क्रियापद प्रारंभ में आया है उसमें आद्युदात्त है अंतोदात्त है, उन चीजों से कैसे हम उन ऋषियों के भावों तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक परंपरा जैसे आगे चली, वो वहीं तक नहीं रुकी है, उनमें फिर आगे उन्होंने और सरल किया, पद पाठ का विकसित किया है। पद पाठ के बाद उन्होंने ऋषि देवता ये सब हमें बताए हैं कि एक मंत्र को देख करके हम उसके विषय तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके दृष्टिकोण तक आप कैसे जा सकते हैं। ये सब माध्यम कहीं ना कहीं एक दूरस्थ शिक्षा कि जो आगे जानने वाले जो आज ऋषियों से दूर हैं या कहीं दूर दूर तक उसको फैलाना हो, तो वो जैसे विकसित कर रहे थे उसी परंपरा में, जैसे निरुक्तकार स्वयं कहते हैं कि अवरेभ्यो ग्लायन्ते, कि जो उपदेश आय ग्लायन्ते, मतलब जो हम बिल्कुल ज्ञान को, अब जैसे जितना जितना हम सरल सिखाने की जितनी टेक्निक पर आश्रित होते हैं, तो समझिए हमारे मस्तिष्क का विकास उतना ही कम हो रहा है, हमारी एकाग्रता कम है, इसलिए ऐसी ऐसी तकनीकियों का विकास करना पड़ रहा है। तो ये वहां भी आ गई थी समस्या, इसलिए वेद और वेदांगानी च उन्होंने बनाए। तो निरुक्त भी यही सिखा रहा है कि कैसे समझे हम वेदों को। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भी यही है कि कैसे समझे हम अपनी उस ज्ञान परंपरा को या अपने उन विषयों को कैसे आज के प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। तो आज जो वर्तमान में क्लासरूम हम देखते हैं, जहां पर टीचर अपने लेक्चर के माध्यम से और जहां पर वह नोट्स देता है, बुक्स देता है, हमें डिस्कशन होती है क्लासेस में और असेसमेंट दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, उनको फिर आगे टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, ये एक आज तक उस शिक्षा को, उस ज्ञान को हम तक संप्रेषण करने की एक विधि चल रही है। हम कहीं कोरोना टाइम या कहीं एक इंटरनेशनल लेवल पर जो एक समय की मांग हुई है कि उन विषयों को केवल क्लासरूम से नहीं उससे बाहर तक लेके कैसे जा सकते हैं, उसी के लिए भी वर्चुअल क्लासरूम, जैसे लॉकडाउन में सबने उस पर देखा और हमने अभ्यास भी किया है, वही सब चीजें होती रही, डिस्कशन भी हुआ, टीचर इस तरफ है तो स्क्रीन के उस तरफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं थे, वीडियो एनिमेशन से असेसमेंट है, क्विज है, ई कंटेंट जनरेट करके या ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड की, टीचर बोर्ड पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखता है, वो स्टूडेंट को दिख सकता है, ये है फिर भी लाइव वर्चुअल क्लासरूम। उसके बाद हमने जो ट्रेडिशनल क्लासरूम थी जहाँ लेक्चर, अब जैसे हम सुन रहे हैं ट्रेडिशनल वे हो गया है, उसी को ही वीडियो और एनिमेशन, इसको रिकॉर्ड करके अगर ये यूट्यूब पर डाला जाता है तो वह ई कंपोनेंट के रूप में हो गया है। उसको बनाने के प्लेटफॉर्म क्या है, यूट्यूब है, फेसबुक वेबिनार या गूगल मीट और जूम, इनसे कर सकते हैं। जो क्लासरूम में टीचर बुक से बोलता है वो हमने ई टेक्स्ट के रूप में उसको कन्वर्ट किया और उसको कन्वे करने का यहाँ मुख से हो रहा है वर्चुअल क्लासरूम में, वहां हम गूगल डॉक्स का यूज कर सकते हैं, ई बुक होती है, ऑडियो बुक्स होती है, इनके माध्यम से भी स्टूडेंट जो है वो उस क्लासरूम के टेक्स्ट को पहुंच सकता है। ऐसे ही टीचर और लर्नर क्लास में स्टूडेंट के कुछ क्वेरी रहती है वो साक्षात अपने अध्यापक से वहीं पूछ सकता है। ऐसे ही हमने ई में स्वयं या मूक्स में या वर्चुअल में कैसे डिस्कस करेंगे अपने विद्यार्थी के साथ, उनको कहां समस्या आ रही है, तो डिस्कशन फोरम बनाया गया। और वो है कौन से प्लेटफॉर्म पर, हम गूगल ग्रुप बना सकते हैं, गूगल क्लासरूम है, गूगल मीट है, जैसे अब यहाँ है, यहाँ पर हम चैट में अपनी कोई लाइव क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं, टीचर वहां उसका उत्तर दे सकता है। सेम फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव सेशन जब होते हैं तो वही डिस्कशन जो क्लासरूम में है वो अपना डिस्कशन वहां पर भी हो सकता है। असेसमेंट, जो हम मूल्यांकन पद्धति, कितना जाना कैसे जाना, उसके लिए बहुत सारी क्लासरूम में टेक्स्ट बेस्ड टेस्ट रहते हैं, ऐसे ही सेम हम ई असेसमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोजेक्ट वगैरह भी बना करके अपने छात्रों का कितना सीखा है ये मूल्यांकन देख सकते हैं। उसके लिए माध्यम क्या है, कैसे देखेंगे, तो गूगल क्विजेज हैं, ऑनलाइन एग्जाम हैं या गूगल पर एग्जाम वगैरह भी हैं। कुछ एक दो आज हम इसमें ऐप ऐसी देखेंगे जहां पर ऐसा बना करके हम उनके साथ जुड़ सकते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ में। तो इन्हीं चीजों को अब अलग अलग लेवल पर जब ये चल रही हैं, तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई, जिसमें ई लर्निंग उन्होंने किया और एक रेफरेंस गाइड भी दी, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब लॉकडाउन में अकस्मात हमारे ऊपर ये वर्चुअल क्लासरूम आई तो बहुत सारे अवांछित तत्व भी बीच में घुस जाते थे। विद्यार्थी वहां पढ़ रहा है तो वो वहां से भटकने के भी माध्यम बहुत सारे हैं, इसमें क्लास के साथ साथ यूट्यूब खोल के देख लेते हैं। तो ऐसा करके एक उनको सेंटर में कैसे लाएं, फोकस कैसे करें, जैसे कि क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट इधर उधर देखता है तब भी उसको हम अपनी ओर आकर्षित करके विषय की ओर लाते हैं। तो ऐसे करके कुछ कुछ ऐप या कुछ कुछ प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने बनाई और हम सब शायद इन विषय को देख चुके हैं। अगर जो चीज रिपीट हो आप मुझे कह सकते हैं कि उसको हम स्किप करें। तो जैसे कि स्वयं है, जिसमें अभी इस वर्कशॉप में हम चर्चा कर ही रहे हैं, स्वयं प्रभा ये एक लाइव टीवी चैनल है जिसके माध्यम से शायद ये पढ़ लिया होगा, है ना, इसको स्किप करते हैं, ये सारी चीजें हम अगर देख चुके हैं। MOOCs ये आप जान ही चुके हैं। अब MOOCs पर लगभग 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटी अपने अपने कोर्सेज लेकर के आई हुई हैं और उनमें जो MOOCs को अवेलेबल कराते हैं, मतलब जो आप हमें सर्टिफिकेट एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जहां से मिले, ऐसे तो आप गूगल या यूट्यूब पर कितना ही डालिए, बहुत सारे अपना यूट्यूब चैनल खोल करके हमें डेली लेक्चर दे रहे होते हैं, पर ऐसा ऑथेंटिक जैसे कि एक यूनिवर्सिटी या स्कूल में आकर के बच्चा एनरोल होकर के एक ट्रेडिशनल एक स्टेप बाय स्टेप वो डिग्री लेता है, तो ऐसे प्रोवाइडर भी बनाए हुए हैं जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल सभी लेवल पर रहते हैं। और इसमें वो किन इंस्टीट्यूट्स का सहायता लेते हैं जो ये प्लेटफॉर्म है, तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो भी हम सब देख ही रहे हैं, जान लिया होगा। अब जब इतनी सारी चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पर हो रही थी तो हम क्यों सोच रहे हैं, क्या जरूरत है, तो इंडिजिनस MOOCs होना चाहिए अपना स्वयं का। उसकी आवश्यकता क्यों, क्योंकि एक तो हम स्वयं संस्कृत के विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं से परिचित हैं, दूसरा हर एक ज्ञान को संप्रेषण करने की पद्धतियां या कहें शिक्षा नीति को के माध्यम से ज्ञान को आगे सिखाने की हम अपनी पॉपुलेशन अपने माइंड सेट से स्वयं परिचित होते, पूरा इतिहास इस पर कार्य करता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हर एक देश की ये रिक्वायरमेंट बनी कि उसकी कंट्री के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म हो। तो अपना जो प्लेटफॉर्म वो स्वयं प्लेटफॉर्म है। स्वयं की डेफिनेशन हम सब जानते हैं कि स्टडी वेब के माध्यम से करना है, ये बिल्कुल एक दूरस्थ है, हमें ये नहीं है कि जैसे अब लाइव कोई इस वर्कशॉप से वहां जुड़े हैं, ऐसा भी नहीं है, वहां हमें रिकॉर्डेड अपनी चीजें अवेलेबल करानी है। यहाँ पर लाइव में भी क्या है, म्यूट करके बच्चा उधर कुछ भी दूसरी चीजें करे हम उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके समाधान है, पर आप एक रिकॉर्डेड वीडियो उन तक पहुंचाएं MOOCs के माध्यम से, उसमें उनको कैसे पकड़ के रखेंगे, तो ये एक समस्या। इसको बनाने के लिए ये भी हमने देख लिया होगा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, उनमें से मैं बस इग्नू का ही बता रही हूँ और सब आप देख सकते हैं, तो इग्नू भी एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उसके माध्यम से हम वहां पर अपना डायरेक्ट प्रपोजल भेजते हैं और सीधा स्वयं पर वही स्टूडियो में उनसे रिकॉर्डिंग करके लाइव उनको चलाते हैं। तो और भी ये आप जान गए होंगे कि यहाँ की जैसे ये यूनिवर्सिटी है वो कैसे स्वयं MOOCs पर अपना प्रपोजल भेज करके कौन सी नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ अपना एक टाइप कर सकती है, उनको प्रपोजल भेज सकती है, उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक इंस्टीट्यूट की ओर से चाहिए बेसिक, वो सब फुलफिल करके हम उसको प्रपोज कर सकते हैं। अब हाँ जी, अभी जैसे इग्नू पर भी भेज सकते हैं, इग्नू में भेजने के लिए जैसे एक तो अपना सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के साथ इग्नू का और उसका MOU भी है और उसके माध्यम से प्लस यहाँ इंडिविजुअल भी एक प्रपोजल फॉर्म इग्नू का है, वो भर करके उनको भेज सकते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ का कोर्स है वो यहाँ की एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव होना चाहिए और लगभग किसी ना किसी एक सेमेस्टर में या उसमें एक बार एग्जाम हो चुका हो, मतलब UGC अप्रूव्ड जो कोर्स है उसको हम इग्नू के माध्यम से भी कर सकते हैं। समस्या आएगी कि उसमें रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इग्नू जाकर के तो यहाँ से कर नहीं सकते हैं, तो एक मिनिमम स्टूडियो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए कि जो स्वयं पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जो एक उसकी वीडियो की लेंथ है वो इतने मिनट्स की हो,
उसका साइज है कि वो उनके पोर्टल पर फिट हो सके, उसके माध्यम से यहाँ पर एक टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होगी और उसका सीधा हम इग्नू के साथ में कोऑर्डिनेटर यहाँ की ही रहेगी फैकल्टी, और उसके साथ अगर वहां से कोई कोऑर्डिनेटर भी साथ में रख सकते हैं इग्नू का ही, कि उधर से जो भी समस्या रहती है तो वहां वो फैकल्टी उसमें है ही, तो वो हेल्प हो जाएगी। कोऑर्डिनेटर आप इसी संस्था का ही उसमें रह सकते हैं, और लोगो जो है उसमें स्टार्ट करते हुए वो इग्नू का ही आएगा, कोर्स इसी यूनिवर्सिटी का ही अपना माना जाएगा। तो इसमें क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों तरह के कोर्स हम भेज सकते हैं। क्रेडिट वही सेम जो अपना यहाँ पर करिकुलम में पास है, एकेडमिक काउंसिल से जो कोर्सेज पास है वो। नॉन क्रेडिट हम अवेयरनेस कोई प्रोग्राम चलाना चाहें कि वैसे ही आयुर्वेद के बारे में अगर बताना चाहें, उसमें क्रेडिट जरूरत नहीं है, वो पास हो और उसके लिए हमें एग्जाम की करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं फ्री ऑफ कॉस्ट है तब तक जब तक कि उसमें कोई सर्टिफिकेट के लिए अपने आप को एनरोल नहीं करता है, तो कोई भी सीख सकता है। अब ये स्वयं पोर्टल है सबके लिए, ये इग्नू का जो स्वयं पोर्टल जो मेरे द्वारा प्रारंभ किया हुआ संस्कृत भाषा और साहित्य, ये वही के ही बीए में है, बीए प्रोग्राम में एक कोर्स चलता था उसी को ही इसने स्वयं के माध्यम से शुरू किया हुआ है। अच्छा खासा एनरोल हो जाता है, कुछ कुछ वही समस्याएं अभी हम भी उन्हीं को ही जो फेस की है कि उसको कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उन्हीं चीजों की हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये 6 क्रेडिट का कोर्स है, तो 4 से 8 क्रेडिट के हम स्वयं पर ले जा सकते हैं, ये 6 क्रेडिट का कोर्स है, क्योंकि 6 का ही वहां चल रहा था, तो बच्चा जब इसको पास करके आपकी यूनिवर्सिटी का भी अगर 6 क्रेडिट वहां से लेता है, तो जो पेरेंट यूनिवर्सिटी ये और जो पोस्ट यूनिवर्सिटी वो है, जब उनका क्रेडिट मैच हो जाता है तो वो अपने क्रेडिट के बैंक में उसको अवेल कर सकता है। अब जैसे कहा था कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरह की स्वयं से वो चलता है कोर्स कंप्लीट, कि जैसे इनफॉर्मल कैसे होगा, सीधा हम रजिस्टर करेंगे स्वयं पर, कोर्स लॉन्च होने के बाद की बातें हैं कि स्टूडेंट को हम जब उनकी इन्फॉर्मेशन दें, उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे कि कैसे उसमें एनरोल हो, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक है जिसको यूनिवर्सिटी के इस प्रपंच में नहीं फंसना है कि मुझे कोई अपना एनरोलमेंट नंबर या कोई क्रेडिट ब्रांच है वो है 70-80 साल, बट वो संस्कृत के किसी एक विषय को जानना चाहता है, और ऑनलाइन सीखना थोड़ा सा आसान है फिर भी दूरस्थ की उसको बहुत सारी चीजें वही अपने हाथ में बैठे हुए ही मिल जाती है, तो उसके लिए इनफॉर्मल एक तरीका है अनौपचारिक। क्या है कि वो रजिस्टर करेगा सीधा स्वयं के साथ विद गूगल, जो उसकी आईडी होती है उसके साथ वो उसको ओपन करता है, कोर्स ढूंढेगा बहुत सारे जो सभी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी तरफ से जो भी वेब पोर्टल पर लॉन्च होते हैं उनको वो देखे, उसमें एनरोल कराएगा और अपने आप उसमें वीक वाइज, ये दिखाऊंगी मैं अपना उसका खोल के, वीक वाइज जो भी उसको सप्ताह के वीडियो या लेक्चर पीडीएफ फाइल में कंटेंट है उनको अपनी समय के अनुसार दिन में जब भी चाहे उसको पा सकता है, और उसी के डिस्कशन फोरम पर कोई डाउट रहता है वहां वो पूछ सकता है, और अपने असाइनमेंट वहां सबमिट करेगा और उसका कंप्लीट कोर्स, कोई फीस नहीं देनी, कुछ नहीं सीखना। असाइनमेंट इसलिए स्वयं प्रेरित करें कि जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे कि मेरा कोर्स जो हम सिखा रहे हैं क्या सही ट्रैक पे है या कुछ और चीजें उसमें ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। दूसरा है फॉर्मल, जो स्टूडेंट 12th पास बीए में एडमिशन लिया है किसी दूर दराज यूनिवर्सिटी में या हमारी में है, उनको कोई दूसरा मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लेकर के वो अपने उसमें, जैसे कि अब जो इसकी यूजीसी का न्यू फ्रेमवर्क आया है कोर्स का 120 क्रेडिट की बीए है, उस बीए में आप मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होना भी जरूरी है माइनर कोर्स के रूप में। हमारी यूनिवर्सिटी में अगर वो नहीं है या किस रूप में दूसरा चाहता है तो वो वहां किसी भी नेशनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा उसके उतने ही क्रेडिट का कोर्स ले माइनर में, और उसके लिए क्या है सेम वही अपना एनरोल करेगा स्वयं में, कोर्स को जहां पिछला इनफॉर्मल था असाइनमेंट देते हुए क्विज देते हुए डिस्कशन फोरम में अपनी प्रतिभागिता देते हुए कोर्स को कंप्लीट करेगा, लास्ट में इसको एंटी एग्जाम देती है स्वयं कोर्सेज का, तो उसमें रजिस्टर एग्जाम के लिए करना है, ऑनलाइन पे फीस करनी है, एग्जाम लिखना है, सर्टिफिकेट पाना है, और सर्टिफिकेट पाने के बाद अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट करना है कि अपने क्रेडिट ब्रांच में उसके वो क्रेडिट भी इंक्लूड किए जाएं। तो अब
अब जो हम स्वयं सिखा रहे हैं, आपने ये भी देखा है कि उसके चार कंपोनेंट हैं, कि हमें एक तो ई ट्यूटोरियल देना है और उसमें टेक्स्ट जो है वो डिजिटल, कोई प्रिंट फॉर्म में उनको टेक्स्ट नहीं मिलेगा, डिजिटल फॉर्म रहती है। थर्ड है डिस्कशन फोरम, फोर्थ है उसमें असेसमेंट और इवेल्युएशन। ये चार चीजें जब होंगी तभी जिसने इन चारों में भाग लेकर के स्वयं पर लॉन्च किए हुए कोर्स को पूरा किया है उसी का ही क्रेडिट जो है वो उसकी क्रेडिट ब्रांच में, उसकी डिग्री में इंक्लूड होता है। तो अपने जो भी हम कोर्स स्टार्ट करें उसमें ये चार कंपोनेंट जरूर होने चाहिए। अब चैलेंज है इसमें जिसके विषय में आज हम बात कर रहे थे, एक तो क्रेडिट ट्रांसफर अभी पूरा धरातल पर कि हमारे पास सामने ऐसे केसेस नहीं है कि जिन्होंने क्रेडिट ट्रांसफर कराया है तो उसकी प्रक्रिया क्या इतनी सहज ही है, क्योंकि अब भी बहुत सारे बच्चा जिन्होंने इग्नू से कर लिया है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में है वो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा फेस कर रहे हैं। तो इसको स्मूथ बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऑनलाइन एग्जाम भी एक बड़ा अभी तक उतना लचीला और सहज नहीं हो पाया है, सेंटर दूर मिलते हैं। जो हमारी पेडागोगी है उसमें भी क्या है, बहुत सारा बच्चा अभी आप देखें अगली इसमें देखिए 203 पेरेंटिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपने कोर्सेज उस पर स्वयं पर डाले हुए हैं और उन्होंने 10,075 कोर्सेज हैं पूरे स्वयं के ऊपर, उसमें 3,36,63,759 बच्चा एनरोल है और एग्जाम कितना देता है 32 लाख, तो रजिस्ट्रेशन करता है केवल और एग्जाम अब तक कितनों ने दिए हैं 19 लाख। तो ये ड्रॉप आउट है, ये केवल हमारी ही समस्या नहीं है। हम कोर्सेरा को भी देखें जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज देती हैं, उनका डाटा और भी है क्योंकि वहां तो हर कोई भी किसी भी देश का जाकर के वहां पर सीख सकता है फ्री में, बस हम जब फीस पे करके उसकी सर्टिफिकेट लेने की बात आती वहां क्यों ड्रॉप आउट है। तो उसके लिए कुछ चीजों पर चर्चा अब तक चल रही है, कुछ है जैसे कोर्स बोरिंग हो जाते हैं या ज्ञान सीख करके अपना उद्धार कोई नहीं करना चाहता, सब शॉर्टकट चाहते कि सर पे कोई हाथ रख दे और चीज फटाफट आ जाए। तो पर फिर भी कैसे हम कर सकते हैं जो अपनी परंपरा है ज्ञान को, कि आचार्य पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारी भयः पादम काल क्रमेण च, और दूसरा है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ये साक्षात्कार जो एक ये शिक्षा नीतियां जो प्राचीन रही है उनके साथ हम कंपेयर करके अपनी उस चीज को कैसे ढाल सकते हैं। तो देखिए स्वयं जो कोर्सेज हैं उसमें भी ये चार चीजें होनी चाहिए कि विद्यार्थी इमोशनल उसमें इंगेज हो। इमोशनल का मतलब भावुक, वैसा नहीं कि उसको देख के रोने लगे या हंसने लगे, इमोशनल है उसके अंदर उत्सुकता बने, उसको इंतजार रहे कि अगली वीडियो कब आएगी या क्या सुनना है। ये हमें टीचर्स को ऐसा उसके अंदर डालना पड़ेगा कि उसके अंदर एक ईगरनेस हो। तो ये इमोशनल पहला स्वयं को बनाने के लिए स्टूडेंट की इनरोलमेंट उनकी तरफ से। दूसरा रहता बिहेवियर, क्या है जैसे उसका व्यवहार ऐसा दिखाई दे आपको कि हाँ वो हमारे कोर्स में अपने व्यवहारिक रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है। जो डिस्कशन फोरम में आप कुछ टीचर अपनी ओर से डालता है कि अगर आपने पहले वीक की वीडियो देख ली है या पाठ्यक्रम पढ़ लिया है तो बताएं इसका क्या उत्तर होगा, या डिस्कशन फोरम में डालिए तो स्टूडेंट उसमें देखिए कि कोई एक उत्तर देता है उस पर हम फिर लिखें, टीचर लिखता अपनी ओर से कि प्लीज इसका कोई और दूसरा भी रिप्लाई करे। तो उनको बिहेवियरली हमें इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट को कि मेल जाती है जब बार बार तो कोई परेशान होने वाले भी होंगे वो जाएंगे, पर दूसरे जो है देख करके कि टीचर की ओर से जब इतना प्रयास किया जा रहा है तो वो उसको देखने की उत्सुकता, इमोशनल उसकी इंगेजमेंट बनेगी जब हम अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। फिर होता है सोशल इंगेजमेंट, वही जैसे कि हम अपने क्लासरूम में टीचर का पढ़ाया हुआ अपने साथ वालों के साथ जब वो डिस्कस करता है तब उसकी ज्ञान में और अधिक सुधार आता है। तो उस प्लेटफॉर्म पर भी हम उनके साथ एक सोशल इंगेजमेंट हो, वह दूसरे विद्यार्थी उन पर कर सके, इस चीज का भी ध्यान रखना है। कैसे वो हम आगे की कुछ स्लाइड में और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और एक है कॉग्निटिव कि संज्ञान ले, संज्ञान खुद उसके अंदर ऐसी आ जाए कि आज टीचर ने फॉर एग्जाम्पल अगर दीर्घ संधि सिखाई है या सारी संधियां सीख ली है उसमें
अनायास उसके अंदर एक संज्ञान हो कि मैं गीता का कोई एक श्लोक उठाऊं, उसके सब पदों का पद विग्रह करके उस डिस्कशन फोरम पर अपनी ओर से डाले। ये चीज हम उनको कह भी सकते हैं कि आप कोई भी अपनी मर्जी का, या आप हिंदी के ही जो वाक्य दिन भर में बोलते हैं उनको दो चार नोट करके भेजिए कि क्या वो संधि के नियम यहाँ लगते हैं कि नहीं लगते हैं। स्वयं अपनी ओर से टास्क भी देना है, खुद चुनेंगे वो, तो ये संज्ञान का कॉग्निटिव उनकी एंगेजमेंट है। तो स्वयं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जो ये मूक्स की पॉलिसी है, वो इन चार तरह के इंगेजमेंट स्टूडेंट का इन्वॉल्व जब हो जाता है, तब उस कोर्स में ड्रॉप आउट होने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो जैसे कॉग्निटिव को थोड़ा सा और समझते हैं, एक ये यूट्यूब कि इसमें क्या है कि उस विषय को समझने के लिए अपने आप विद्यार्थी में छटपटाहट हो, वो और समझे, एक थोड़ा सा जाना और उसके अंदर और अधिक जाने। ये देखते हैं क्या है। ये उसी स्वयं मूक्स में जो वीडियो अभी प्ले होगी उसके अंदर जो 6 क्रेडिट का भी दिखाया था ना, संस्कृत भाषा और साहित्य, उसमें हमने कुछ वहां की फैकल्टी, कुछ बाहर की फैकल्टी से भी इसमें वीडियो बनाई है। तो इसके अंदर देखना, वो पढ़ाने वाले का ये एक अच्छा है। आवाज आएगी क्या? जैसे वही अपनी जो संस्कृत भारती एक अभ्यास सिखाती है, इसको याद करने के लिए हम एक लय बना लेते हैं, पूरा एक वचन हमें एक साथ याद। बस अभी ये मैं वैसे ही कि जैसे जो उसके वीडियो वीडियो बनाने की है प्रक्रिया, वही विषय जो क्लासरूम में है, ये सोच करके नहीं बनाया कि हाँ कैमरा है या विद्यार्थी सामने नहीं है तो वो कैसा लगेगा। इसमें जब ये सिखाने के बाद यहाँ सिखाया है तो वहीं पर ही वीडियो में बोलें, बोलते हुए कि जो अभी आपने लय सीखी है द्विवचन के रूपों का आप बनाएं। तो उसके अंदर जब एक डेमो दिया टीचर ने, सेम दूसरी लाइन की वो लय बना करके स्वयं प्रयास करेगा। तो ये है कॉग्निटिव लेवल, उसमें इंगेजमेंट जब स्टूडेंट का उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से इसको समझा। और है एग्जांपल, उसी को ही जैसे ग्रुप स्टडी करे, आपने टीचर ने बता दिया, उसका स्वयं की ओर से एक विद्यार्थी का आए और दूसरे विद्यार्थी उसमें उत्तर दें। दूसरा है उसी से संबंधित दूसरे यूट्यूब चैनल वह सर्च कर पाए कि जैसा ये बताया गया है उसी तरह की और इन्फॉर्मेशन या और कहां से सीख सकते हैं। और दूसरा है कि उसके लिए जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है कि पहले उन्होंने एक वचन का सिखाया, द्विवचन का है, तो इस तरह से जानकर, और दूसरा भी जैसे कहा था कि संधि को जानने के बाद स्वयं किसी भी गद्यांश या पद्य का हम पद विग्रह करें तो वो भी इसके अंदर माना जाएगा। बिहेवियरल लेवल कैसे दिखाई देगा कि जैसे विद्यार्थी स्वयं अटेंशन दे, उसको सुनने के लिए पॉज करके सुन पा रहा है या नहीं है, क्वेश्चन वह पूछ पाता है, ये सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगी डेमो, कुछ विद्यार्थी पूछते हैं यूट्यूब में कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट, मतलब टाइम लिख देता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा वो पूछता है, वहां हम उत्तर दें तो उससे पता चलेगा कि हाँ ये उसका बिहेवियर जो इंगेजमेंट है वो हो रहा है, तो हमारा कोर्स जो है वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। दूसरा रहता है कि डिस्कशन में जैसे एक ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो स्वयं होते ही कुछ विद्यार्थी जो उत्तर देते हैं, तो ये भी दिखाता है कि हाँ बिहेवियरल जो उनका एंगेजमेंट है वो बढ़ रहा है। असाइनमेंट टाइम पर कौन सबमिट कर रहा है, नहीं कर रहे हैं हम रिमाइंडर डालते हैं। और कुछ अब बिहेवियर को दिखाने के लिए एक क्विज़, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ
तो पकड़ के जैसे क्लास में भी हमने देखा होगा ना, कुछ विद्यार्थी तो ज्यादा समझाने पे समझ भी जाते हैं पर कुछ पढ़ने के लिए आते ही नहीं है, कैसे किया जाए? तो हम कुछ एक्स्ट्रा भी सोचते हैं कि उनके लिए किया जाए। तो अब ये MOOCs ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इससे अलग भी हम थर्ड पार्टी कोई भी ऐप यूज करके कुछ क्विजेज ऐसी जो फटाफट आंसर देती हो, उसमें म्यूजिक डाल करके या करके उनका एक लिंक अपने स्वयं पोर्टल पर डिस्कशन में डाल सकते हैं। तो जैसे एक एक क्विजेज गूगल पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये देखते हैं। क्या इसमें कुछ एरर आ रहा है? एरर कैसे क्या हो? आगे देखते हैं। अगर ये दिखाई दे दिया तो उसको भेज दूंगी आप ग्रुप में। अंतिम प्रयास नहीं होगा तो स्किप करके चले, नहीं हो रहा। उसमें विद्यार्थी में कैसे कर सकते हैं? वही डिस्कशन फोरम, ग्रुप प्रोजेक्ट, जैसे अब क्लास में तो सामने है, वहां हम MOOCs पे कैसे ग्रुप बनाएंगे? हम दो टॉपिक डालें कि एक डाला हमने दीर्घ संधि, एक बनाया हमने वृद्धि संधि। जो विद्यार्थी अपने आप कहें कि कुछ दीर्घ संधि में एनरोल हो, उस ग्रुप को एक नाम दे दिया, कुछ है वृद्धि संधि में एनरोल हो। अब इनमें डिस्कशन कि दीर्घ और वृद्धि संधि में जो टेक्निकली अंतर है कि दीर्घ और वृद्धि सेम नहीं है, ये दो नाम ही क्यों है, उधर से उनसे प्रश्न पूछे, उधर से उनसे पूछवाए। तो ये एक डिस्कशन ग्रुप जब स्टडी में दो ग्रुप बन करके उनमें चलती है, तो उस तरह से भी करके हम उनका सोशल एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। कुछ है लाइव वेबिनार और क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, जैसे इसके लिए अभी आगे दिखाऊंगी मैं। ये IIT रुड़की से एक मैडम है प्रोफेसर अनुपमा, वो भी संस्कृत भाषा जो है बोलना सिखाती है। तो उन्होंने हम स्वयं पर एक लिंक डालें, जैसे वहां पर लाइव क्लास लेना कंपलसरी नहीं है, हमें रिकॉर्डेड वीडियो भी डालनी है, पर अपने विद्यार्थियों के हित के लिए आज से कोई एक सप्ताह के बाद की लाइव YouTube पर आप होंगे, उसमें किसी को एक को और साथ रख सकते हैं डिस्कशन में, कि जहां तक हम दो वीक तक जो पढ़ा लिया है उसी का ही लाइव चले। लाइव में क्या होता है कि वो बच्चा शाम में किया है, जब सब अपने काम से फ्री हैं, विद्यालय से घर आ गए हैं, उस समय हम चर्चा कर रहे हैं, वही सेम लाइव ही क्लास में, जैसे अब ऐसे करते हुए चैट में वो पूछ रहे हैं या YouTube के सीधे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, तो वहां पर उनको साथ साथ उत्तर दिया जाए, उनके क्वेश्चन को रीड करके वही पढ़ा। तो ऐसे कुछ लाइव सेशन भी बीच बीच में अपने कोर्स की सफलता के लिए हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये हमें उनका पता कैसे चलेगा, हमारी ओर से तो ऐसा हुआ, विद्यार्थी जो हम चाह रहे हैं वह कैसे हुआ है, इसके लिए हम उनमें क्या है जो स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, वहीं पर ही आप किसी भी दो स्टूडेंट को जो यहाँ है उनके साथ हम बैठ करके वहीं पर ही उन संधियों की आपस में चर्चा करा सकते हैं। वहां पर विद्यार्थी को ये नहीं लगता सुनने वाले को कि टीचर जैसे हाई लेवल की बात कर रहा है, वो उनके समझ में नहीं आया है, तो एक विद्यार्थी अपने स्तर की अपने लेवल की भाषा का प्रयोग करते हुए जब डिस्कस करता है तो वो उनके ही समान स्तर वालों में वो अनायास ही समझ में आ जाता है। और दूसरा वही डिस्कशन फोरम पे वही लाइव में ही उनको प्रोवोक करे कि हाँ दूसरा कोई विद्यार्थी इसका उत्तर दे। तो ऐसे ये छोटी छोटी व्यवहार से हम उनके ये चार तरह की इंगेजमेंट अपने स्वयं कोर्स में बढ़ाने पर हमारा कोर्स धीरे धीरे लर्नर सेंट्रिक होता जाएगा। तो अब और भी देखते हैं कि कैसी कैसी है तकनीकी जो की हुई है। कुछ तो इंटरनल फैक्टर है जो विद्यार्थी के स्वयं की ओर से, कुछ है एक्सटर्नल जो हमारी ओर से होंगे, जैसे कि
टीचर और पीयर्स एंड कोर्स कंटेंट, कि टीचर अपने विषय को कैसे कन्वे कर रहा है, वह उसको उनके साथ जुड़ करके, ये नहीं कि विषय, जैसे मैंने कहा ना कि वेद जो श्रुति परंपरा से सीख करके लिखे हुए से आज तक हम इतनी सदियों पुरानी उस ज्ञान को समझ पा रहे हैं, वो सोच पाए हैं, उन्हीं के वंशज हम हैं, तो हम भी अपने उस कोर्सेज में ऐसी चीजें ला सकते हैं कि उस विषय को कितना ही गंभीर हो पहुंचा पाए, चाहे गंभीर विषय में वही संख्या कम ही रहेगी, एंटरटेन वैसा नहीं करवा सकते जैसा कि एक फिल्म इंडस्ट्री करा सकती है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी करा सकती है, वैसा एकेडमिक उसमें नहीं रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ऑथेंटिक जानकारी हो और उसके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो, ये जरूर हो, पहले एंटरटेनमेंट करना हमारा फोकस नहीं है, हमें उस ज्ञान को कि वो उसके अंदर अकादमिक गुणवत्ता को भी बढ़ा पा रहा है, और उसके लिए हमें करिकुलम डिजाइन जो डिजाइनिंग है स्टेप बाय स्टेप, कि जैसे कि जो ये संस्कृत भाषा और साहित्य था ये आपने सोचा सिखाना है तो सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, वर्ण सिखाए हैं, वर्णों का उच्चारण सिखाया है, वे वर्ण जब शब्दों में आते हैं या वाक्य में आए तो किन किन रूपों में, गद्य में आएंगे, पद्य में आते हैं, मंत्रों में आए हैं, उन सबके बोलने के तरीके बहुत तरह के हैं, जैसे वेद मंत्रों को ही बोला जाए सस्वर है या एक सामान्य रूप से उनकी रीडिंग ही अच्छी हो, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप करिकुलम जब डिजाइन करते हैं जो विद्यार्थी या जो जिज्ञासु केवल इन्फॉर्मल सीखना चाहता है, हमारा एक सिखाने का पार्ट वही पूरा हो जाता है, और उसमें अपनी उस विषय की गंभीरता को भी नहीं खोना है, कि ये नहीं है कि केवल बस हमने ऐसे उनको तरह तरह के मंत्र केवल बोलना ही सिखाया है, उसके आधार पर हम जब उनको सिखा रहे हैं कि इन शब्दों का अर्थ करना कैसे है तो वहां पर कारक, विभक्ति, आगे संधियां, समास, ये करते हुए भी उस करिकुलम का जो डिजाइनिंग है वो उसी तरह से रहना चाहिए, और वही चैलेंज दे उनको पढ़ाते हुए, जो क्विज चल नहीं पाई वो वैसी ही थी चैलेंज वाली, और उसमें सर्टिफिकेट भी दे कि जिसने असाइनमेंट पूरा किया है, जब एनटीए देगा तो वो अलग बात है, वहां हम इनकरेज करने के लिए जिस विद्यार्थी ने अपनी ओर से पूरा करके दिखाया है वहां उसको दिया जा सकता है, मेडल भी दे सकते हैं और कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, एक्टिव लर्निंग टेक्निक क्या है, हमें कनेक्शन बिल्ड करना है, जो विद्यार्थी जानते हैं जैसे बीए फर्स्ट ईयर में है तो हमें ये पता है कि ट्वेल्थ तक उसने क्या सीखा होगा, उसी को ही आधार बनाकर कोई स्टोरी उसमें सुनाते हुए वीडियो में उसके ज्ञान का और अपने कोर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है, जैसे थोड़ा सा प्रयास शायद किया मैंने, जब जो उसकी स्वयं की वीडियो है ना उस पर डल जाती है यूट्यूब पर, सबके लिए है तो जिनका व्यू बढ़ जाता शायद ऐड अपने आप उसमें आती रहती, जब आप कोर्स में स्वयं ने देखेंगे वहां नहीं आएंगी, पोर्टल में जाकर के जब देखते हैं तो मैंने गूगल उसके यूट्यूब के लिंक दिए, हाँ इसमें आएगा यूट्यूब में जब डालते हैं ओपन में, तो यहाँ पर मैं जैसे संधि सिखा रही थी तो जो फर्स्ट टाइम वीडियो बनी हुई है इसमें मैंने अब भी स्वयं कुछ और सुधार सोचे हैं जो उनको मैं एक्स्ट्रा लिंक में भेजती रहती हूँ कि उसमें उनका एंगेजमेंट बढ़े, तो यहाँ पर क्या है, वही संध्या सांझ बन गए, तो संधि का अभिप्राय क्या हुआ कि मिलेगा तो भाषा के पक्ष में क्या मिलेंगे, वर्ण मिलेंगे, और वर्ण क्या है, स्वर है या व्यंजन है, या फिर तीसरा एक संस्कृत में अभी अभी विसर्ग देखा था, तो स्वर संधियां होंगी, व्यंजन संधियां होंगी या विसर्ग संधियां होंगी, संधि कब होती है, जब संहिता होगी, संहिता क्या है, जब निकट आना, जैसे आप ऋग्वेद संहिता, ये मैंने उनका लिंक जोड़ा जो इससे पहले मैं अपनी वीडियो में सिखा चुकी थी, उनको वर्ण सिखाए कि स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो उनको अब जो कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसको इंगेज करना है आपको किसमें बिहेवियरल, की आपकी पिछली वीडियो भी देखे उसको भी जाने, नहीं तो कहीं से भी देखे तो विषय पूरा तभी होगा ना जब लेक्चर की एक सीरीज टूटे नहीं, हमारा कोर्स कंप्लीट कराना है और इसमें लास्ट में क्लू ऐसा छोड़ना है कि आपका अगला सेशन भी उसको देखे,
तो ऐसे करते हुए बीच में बस यही दिखाना था कि जैसे संहिता संधि सिखाई, हम बोलते हैं ऋग्वेद संहिता, तो क्या ये संहिता और वो संहिता सेम थी? ऐसा करके ऊपर क्वेश्चन छोड़ना है, फिर उनको उत्तर कहेंगे कि आप डिस्कशन फोरम में बताएं क्या ये सेम था इस पॉइंट पर आकर के। तो ये उनका हो गया है कनेक्शन बिल्ड करना अपने कंटेंट के साथ, और जरूरी है कॉन्सेप्ट मैप बनाना। कॉन्सेप्ट मैप हम सबसे पहले ही उनको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में क्लियर करेंगे कि अपने कोर्सेज में सबसे पहले आप क्या सीखेंगे, उसके बाद क्या होगा, कहाँ तक सीखना है और इसका आउटकम क्या है, कि कम से कम आपको क्या आ जाएगा ये करके। तो जिसको उसका रिजल्ट सुन करके जो फल मिल जाता है उसको देख करके तो ही रुचि उस विषय की ओर बढ़ती है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट मैप भी हम अपने उसमें रखें। दूसरा रहता क्रिटिक्स, आलोचना। एक ने डाला वही, जैसे एग्जाम्पल दीर्घ और वृद्धि संधि का लें, उसने कहा विद्या प्लस आलय ये वृद्धि संधि हो गई। मान लो किसी ने दिया या दीर्घ कहा, तो आप पूछे क्या ये वृद्धि नहीं है? आपको पता है उत्तर सही है, फिर भी उसको क्रश करके उसकी क्रिटिक आलोचना करके। ये सब चीजें हम कब जुड़ेंगे? दो ही माध्यम है बस, डिस्कशन फोरम या जब कभी लाइव सेशन करेंगे, या क्विज में भी डाल सकते हैं ये चीजें। और एक है ये बड़ी अच्छी, थिंक पेयर और शेयर। टीचर क्या करता है, अपनी ओर से क्वेश्चन पुट किया, अब उनको सोचने का टाइम दिया है। पेयरिंग, जैसे हम ब्लूटूथ से अपना फोन पेयर करते हैं, ऐसे ही उनको पेयरिंग का समय देते हैं कि आप एक दूसरे से देखिए कि हम ये सही सोच रहे हैं, दूसरा कहेगा नहीं शायद इसका ये उत्तर हो सकता है। जब उनकी पेयरिंग हो जाती है तब जो उनका लास्ट उत्तर होगा वो शेयर करते हैं। तो इसके लिए अब कैसे हम बनाए, तो जो मैंने कोशिश की थी अपने में वही दिखाती हूँ। उनको ही संस्कृत में हम प्रातिपदिक कहेंगे। जब इन प्रातिपदिक उनका प्रयोग वाक्य के में किया जाता है तब उनकी उसमें चेंजेस आते हैं। तो अब पहले और स्पष्ट करें अर्थ का बोध होता है, जैसे हमें ध्वनि जिन्होंने महाभाष्य लिखे वाक्य में किया जाता है तब उनकी उसमें चेंजेस आते हैं। तो अब पहले और स्पष्ट करेंगे इसमें क्या है प्रातिपदिक क्या है। महर्षि पतंजलि हुए हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, उन्होंने कहा कि प्रतीक एक मैट्रिक्स वस्तु की इसमें जैसे ना वहीं पर ही क्वेश्चन मार्क वीडियो में यहाँ बनाते हुए मैंने उनसे पूछा था पद लिखा है। पद लिखते ही हमारे मन में आता है कि कोई आप किसी डेजिग्नेशन पर क्या वो पद है, या यहाँ बात कर रहे हैं तो कुछ अगला पद है। ये उनके लिए एक थिंक हो गया, ये क्वेश्चन हमने उसमें डाला। इसका उत्तर वही सेम वो पूछेंगे हम जब डिस्कशन फोरम में या क्विज में जब असेसमेंट देंगे तो पूछे कि उस वीडियो टाइटल में इस जगह पर जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर क्या निम्न में से ये है। तो अब अगर हमारी वीडियो उन्होंने सुनी होगी तो वो उसका उत्तर दे पाएगा, नहीं सुनी होगी तो नहीं दे पाएगा। तो ऐसे करके ये वही चार चीजें ध्यान रखनी है कि उनका हमें चार तरह से अपने उसमें एंगेजमेंट बनाना है। तो ये है थिंक पेयर और शेयर वाला जो टेक्निक चली हुई है। ऐसे ही ये भी देखते हैं कि चलते एक पेयर डेक करके भी है जहां पर हम क्या करते हैं अपनी पीपीटी बनाई, जैसे अब चल रही है ये पीपीटी है लाइव, हम अपनी उस पे यूट्यूब सॉरी स्वयं कोर्स पर जब डाल देते हैं तो क्या वहां इसको खुलने देते हैं। जैसे टीचर ने पहली स्लाइड में जो कुछ बताया उसके बाद ये एक स्लाइड आएगी अपने आप ही, पेयर डेक करके एक ऐप है गूगल की ही, उसमें आप पूछें कि आप जैसे स्टूडेंट को एनरोल करना है आप आज कैसा अनुभव कर रहे हैं, इस तरह से बताएंगे, वो अपना यहाँ पर उत्तर देगा। जब क्लिक करता है अभी मेरे सामने तो क्योंकि मेरा स्टूडेंट का ये मेरी एक पीपीटी थी जो अष्टाध्याय के ऊपर थी, कुछ बिंदु यहाँ समझाए उसको। अगली स्लाइड जब टीचर अपनी उधर से प्ले करता है लाइव सेशन में तो उसके सामने दूसरी ये भी लाइव जाएगी, उसमें वही वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप अपना उत्तर दीजिए।
एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो दिखाऊं। ऐसा ये कोड आता है जो हम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। हम उसमें डिस्कशन या अनाउंसमेंट स्टूडेंट को कर सकते हैं कि आज शाम लाइव सेशन रहेगा। उधर हम लाइव खुद भी बोलना चाह रहे हैं। हमारा लेक्चर पहले से ही रिकॉर्डेड है। वो पीयर डेक एक ऐप है गूगल की ही, जिसमें हमें सामान्य अपनी पीपीटी बना करके उसमें केवल लिंक अपलोड करना होता है। वो उसमें खुद ग्राफिक्स करके उसको डिजाइनिंग करता है। उसके बाद ये एक लिंक जैसे जनरेट हो जाता है। अब कोई स्टूडेंट है नहीं भेजने के लिए, मैं अपनी ओर से ही इसमें दिखाती हूँ कि जैसे एक लघु अष्टाध्याय इस पर करके कुछ बना हुआ था, ये फर्स्ट है। उसके बाद ये मुख्य बिंदु इसके बताए, ये मेरी स्वयं की बनी हुई। अब है कि अब विद्यार्थी को आपको पूछना है कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं आप अपना उत्तर देने में अभी रिप्लाई करेंगे कि नहीं है। ये स्टूडेंट की उस पर भी दिखाई देगा, वो उधर यस और नो करेगा, ठीक है। उसमें वो यस और नो करेगा तभी अगली चलेगी। उसके बाद आपने अपना दिखाया, उसमें हम ये मेरा जो विषय था उसको हम समझाई रहे हैं, नूतन लघु उपदेश की क्यों आवश्यकता इस तरह से बताया। अब है यहाँ तक जो आपने सुन लिया है उसके बारे में आप कुछ लिखिए, तो इससे एंगेजमेंट उसका बिहेवियरल बनेगा कि क्या उसने सच में वो जो लेक्चर हमने दिया वो सुना कि नहीं। वो अपनी स्क्रीन पर हिंदी इंग्लिश जिसमें भी, और आजकल हिंदी को भी जो हम रोमन लिपि में लिख करके उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का एनरोल वो एंगेजमेंट हमें मेन उद्देश्य है। ऐसे ही जो हमने पढ़ना कि वो नीरस होता है नहीं, मान लो मैंने व्यू दिया, स्टूडेंट अग्री है, उसको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो हम उस कंटेंट पर उसकी फीडबैक भी ले सकते हैं कि क्या वो विषय जो टीचर की अपनी थॉट है अपना कॉन्सेप्ट है वो उस तक पहुंचा पाता है या नहीं। तो ये उनकी स्क्रीन पर जब तक वो जवाब नहीं देंगे तब तक अगली स्लाइड नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन है अष्टाध्यायी और जो मान लीजिए आपने विषय दिया उनके बीच में कैसा क्या कनेक्शन बना, यहाँ पर वो नीचे उसी स्टूडेंट वाली और इसमें अपने व्यू लिख सकता है। तो ये एक पीयर डेक करके है, और आज का बताएं आपका अनुभव कैसा रहा। तो ये थोड़ा सा इस तरह से कुछ कुछ ऐप अलग से जो हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करनी पड़ती है वो यहाँ से कर सकते हैं, ये दिखाना चाह रही थी। एक ये लिंक शायद उन्हीं का है, आइए ये नहीं है मेरी, चलिए ये तो हम कभी भी देख सकते हैं। पीयर इंस्ट्रक्शंस, पीयर जो साथ वाले हैं और जो टीचर अपनी ओर से इंस्ट्रक्शन स्वयं पर जरूर डाले, जैसे ये स्वयं का जो पोर्टल BSKLA है, ये स्टूडेंट को जो जिसने एनरोल कर लिया है उसको दिखाई देता है ऐसा जो अब दिख रहा है। अब जैसे एक वीक का हो गया है उसमें टीचर ने डाला है, ये अनाउंसमेंट में दिखेगा चेक योर प्रोग्रेस, तो उसमें देखा है कि आशा आपने सप्ताह अनुसार पाठ्यक्रम पढ़ा, डिस्कशन फोरम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बार बार उनको मैसेज करते रहते हैं, सामग्री के बाद वही क्विज का लिंक दिया हुआ है और पूछे कि क्या उनके उत्तर आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो ये पीयर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करनी है। और देखिए जब सबसे पहले शुरू किया है इसमें हम बताते हैं
कि हर सप्ताह जो पाठ्य सामग्री मिलेगी वो 2.5 से 4 घंटे की वीडियो रहती है, उन उसमें मिला करके पीडीएफ फाइल आपको मिलेंगी। आपको असाइनमेंट स्वयं करने हैं, अपनी सहायता के लिए अगर किसी को पूछते भी हैं तो सीखें, और अधिक से अधिक ग्रुप डिस्कशन ऐसे करके जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है उसके कारण वो पढ़ने वाला इंस्ट्रक्टर के साथ एक कनेक्टिविटी इमोशनल फील करता है। ये इमोशनल एंगेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। टाइम हो गया तुम्हें? ये NPTEL की जो मैं बता रही थी एक मैडम है, NPTEL भी एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है जिस पर सारी जो IITs हैं देश भर में वो अपने टेक्निकल कोर्सेज डालती हैं, पर वहाँ ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट भी है तो उनकी ओर से भी ये एक चलता है कोर्स, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, तो उनका बड़ा अच्छा है। अगर हमें कुछ सीखना भी है तो कुछ कुछ जो कोर्सेज चल रही है पहले उनमें एनरोल करा लीजिए, फ्री है, उनसे सीखने का मिलेगा कि वो कैसे अपने प्रोग्राम को स्मूथ करने के लिए, कोर्सेरा भी एक अच्छा है इंटरनेशनल लेवल पर, वो कैसे उन चीजों का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से इंट्रोडक्शन उन सब में दिखाई देती है, फर्स्ट वीक की क्या है, उनके बाद उनसे फीडबैक लें, फीडबैक के लिए वही देखिए इन्होंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो वहां पर हम देख सकते हैं। तो ये उनका बिहेवियर कॉग्निटिव और वही सोशल इंगेजमेंट को बढ़ाने वाला एक माध्यम है जो हमने इसके से देखा है, इंस्ट्रक्शन जब अपनी ओर से टीचर को उसको स्टूडेंट को भेजते हैं। क्लासरूम न्यूज़पेपर और इंटरेस्टिंग अगर बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं कुछ कुछ कर सकते हैं। वही अगर हमने समाज सिखाए हैं तो सबको जैसे न्यूज़पेपर की एक हेडिंग आती है अव्यभाव समास, उसको सरल शब्दों में लिखने के लिए भेज दीजिए कि एक न्यूज आपका जो वीकली न्यूज़पेपर वीकली मैगजीन जैसे बनाते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट को कहा जाए, असाइन कर दें किसी को भी कि आज का जो समअप है, जैसे मीटिंग के बाद मिनट्स को लिखना होता है, तो ऐसे ही क्लासरूम के बाद उसका एक शॉर्ट जो है, पहले क्या बताया फिर क्या बताया, ऐसे करके उनको हम एक न्यूज़पेपर की तरह उससे कोर्स का एक न्यूज़पेपर बना सकते हैं। ट्रिविया कॉम्पिटिशन होता फटाफट, जैसे आप पूछते हैं अगर हम बैठे हैं कहीं इंटरटेन करने के लिए, आपको कौन सा कलर आपका पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है, फटाफट जिनके उत्तर देने हो। ये भी क्या है, वही जो क्विज़ एक ऐप थी जिसमें हम अपने उत्तर देने की समय सीमा को निश्चित कर सकते हैं कि आपको केवल 10 सेकंड दिए जाते हैं, वो नहीं दिया तो वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके ट्रिविया कॉम्पिटिशन दे करके भी उसमें सरल सरल उनमें उनकी रुचि बनाने के लिए किया सकता है। कॉमिक स्ट्रिप है, जैसे वही लेक्चर को पढ़ाते हुए वो बोर हो रहा है तो उसमें बीच में हमने बताने के लिए, जैसे मैंने ये जो लिंक दिया है उसमें ऐसा कोशिश किया कि जहाँ काल के बारे में बता रहे हैं कि भूतकाल, तो भूत सुनते ही जो उनको पता है कि कोई भूत आ गया इस तरह से, ऐसा नहीं, मतलब कॉमिक स्ट्रिप उसके अंदर दे करके उसमें उनकी एंगेजमेंट बढ़ानी है। गेस्ट स्पीकर, कभी हम एक बोलते हुए बीच में हम किसी दूसरे स्पीकर को भी बुला करके उस वीडियो की रुचि को बढ़ा सकते हैं। अगर ये देखना चाहिए, ये इनका प्रयोग किया है वही NPTEL वाली जो मैम है वो ज्यादा यूज करती है, इसकी वीडियो देखते हैं ऐसे ही। ये देखिए ऐसे ही बीच में जब संवाद सिखा रही हैं इस वीडियो में तो उनके साथ कैसे उच्चारण है, अब इनको बीच में बुलाया है उनसे बुलवाना, तो उसमें जो देखने वाला है ना उसकी रुचि बनती है कि ये कैसे बोल रहे हैं, क्या मैं भी ऐसा ही हूँ, वो करेक्शन वहां ठीक कराती है। तो ऐसा करके हम भी नहीं जो भी चाहते हैं उसको धरातल पर उतारना है कि कैसे भी करके बस सिखाना है, ये जब उद्देश्य है तो हम उसमें नई नई रुचियां अपने आप ही सीख पाते, हमारा खुद का भी एक एंगेजमेंट है। ऐसे ही असाइनमेंट लंबे चौड़े नहीं उस पे देने चाहिए कि अगर हमने लिख दिया कि उपमा कालिदासस्य निबंध लिखिए, अब कहां इतना लंबा चौड़ा, उसमें से आप एक श्लोक की एक लाइन की इसमें क्या उपमा है या नहीं है, है तो कौन सी है, इस तरह से शॉर्ट आंसर जिसमें देने के लिए, आलसी हो चुकी दुनिया ये मान करके चले। पोलिंग हम ऑडियंस भी उसमें करा सकते हैं कि अच्छा लगा या नहीं लगा है, उसमें फीडबैक उनका एक तरह से है। पीयर रिव्यू असाइनमेंट जैसे हमने दिया, मान लीजिए किसी उसमें रूब्रिक सेट कर सकते हैं, रूब्रिक का मतलब है कि मान लीजिए हमने एक श्लोक व्याख्या के लिए दिया है तो हम उसमें मेंशन करें, प्रसंग लिखेंगे तो उसके 2 नंबर हैं, प्रसंग में क्या अपेक्षित है वो भी उसमें मेंशन करें कि आप ये बता पाने में सक्षम हो, कहां से लिया है, किस संदर्भ में कहा है, व्याख्या
में नंबर फिट कीजिए, उन नंबरों का भी रहता है कि आप दूसरे ग्रंथों को की कोई संस्कृत की कोई कोट कर पाते हैं, इस शास्त्र में जो बताया है उसकी संबद्धता दूसरे शास्त्र के साथ दिखा सकते हैं या नहीं, लास्ट में व्याकरणात्मक टिप्पणी दे पाते हैं कि नहीं, ये रूब्रिक्स है उसमें, जिससे कि उसको एक ट्रैक आता है लिखने का, असाइनमेंट लिखने के लिए उसको एक रास्ता बनेगा कि हाँ कैसे लिखना है, तो ये नहीं लगेगा कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए वो इसमें एनरोल हो गया है, उसके स्टेप बाय स्टेप उसका विकास हो रहा है। तो ये रूब्रिक्स हम अपने उसमें असाइनमेंट में सेट कर सकते हैं, और रेगुलर असाइनमेंट, ये नहीं कि एक साथ पूरा कंटेंट डल गया है और लास्ट में एक क्विज ले ली, कोई नहीं देखता है, हर एक वीकली उसके बाद चाहे दो क्वेश्चन पूछे हम, पर उसमें असेसमेंट उनका मूल्यांकन हर एक वीक के बाद होना चाहिए, और हमारी ओर से रिस्पॉन्स होना चाहिए तुरंत, एक समय ये नहीं है कि मेल खोल के ही नहीं देखिए रिप्लाई ही नहीं कर पाए हैं, जो एक दो स्टूडेंट बेचारा जैसे तैसे एनरोल हुआ या देखने के लिए एंगेज हुआ है वो भी विमुख हो जाता है, तो हमारी ओर से मेंटर की ओर से भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, और उसमें प्रयास वही कि उनका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है या नहीं है ये चेक करना है, और वही गाइडलाइन लर्नर थ्रू कि हमें उसमें गाइडलाइन दे सकते हैं, और एक और पाउटून करके की छोटी सी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ऐप है कि जहां पर एक बार देखते हैं अगर आपको अच्छी लगती है, इसके अंदर उसमें टीचर का अपना एक वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ये इसको फेस ऐसा इस तरह का बनता है, जैसे टीचर है ये बता रहा है कि आज वेलकम टू द न्यू क्लास संस्कृत ग्रामर ये सीखेंगे, अवतार बोलते हैं इनको आजकल, तो ऐसी ही एक पावटून, ये भी गूगल की एक ऐप है, इसमें आप अपना विषय डाल सकते हैं, ये लिंक उनमें डालिए, इसमें भी उनमें एंगेज करते हुए कि कोर्स क्या है उसकी छोटे छोटे हाईलाइट जो है कि कम से कम आप इतना सीखेंगे, इस तरह की कुछ कुछ ऐप जो थर्ड पार्टी ऐप हैं उनका भी प्रयोग करके हम अपने स्टूडेंट का एनरोलमेंट वो एंगेजमेंट इसमें बढ़ा सकते हैं। और जो फर्स्ट हमारा था क्वाड्रेंट ई ट्यूटोरियल जिसमें रहता है, उसके अंदर जो वीडियो हम बना रहे हैं उसमें पीपीटी केवल ऐसे शब्दों की लिखी हुई है जैसे एक ये ना हो करके साथ में कुछ ग्राफिक्स होनी चाहिए, वो दूसरी टीम शायद होती है जो कंप्यूटर, तो जो हम पीपीटी में मैक्सिमम जब रिकॉर्ड करने जाते हैं तो अपना कंटेंट लिख करके जाते हैं कि जिससे कि जो ग्राफिक करने वाला है वो उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें उसमें डिजाइन कर पाए, ये शायद मैं इसमें लिंक में है, टाइम मेरा है भी हो गया, ये जैसे इन्होंने क्या किया है, ये लाइव सेशन है जो एनपीटीएल का था ना, इधर देखिए एक तरफ चैट चल रही है उसमें वो रिप्लाई, सब स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें ये एक गेस्ट स्पीकर को बुलाया है जिसमें, तो उनकी वो पीपीटी में क्या है विषय में और अधिक उसमें गहराई में जाता है, विषय सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है जब विषय उसके साथ लाइव सेशन जब किया जाए, और वर्चुअल लैब वगैरह ये तो सब साइंस वालों के लिए रहती हैं। अब कंटेंट जो लोड किया जाता है जैसे 4 credit है मिनिमम उसके अंदर किया जाए, तो 1 credit के लिए जो है 10 video रिक्वायर्ड रहती है, तो 4 credit है तो 40 video, और 30 minutes मैक्सिमम, लंबी वीडियो भी नहीं देखी जाती है, और जो SLM है सेल्फ लर्निंग मटीरियल है वो भी एक मॉड्यूल के लिए एक हमने 1 week का एक मॉड्यूल उनको दिया है, तो उसमें मिनिमम 3000 words हो सेल्फ लर्निंग मटेरियल के अंदर, और उसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जो कि पूरे कोर्स के बारे में बताए और इंस्ट्रक्टर का परिचय दे, कितने क्रेडिट का है, क्या क्या सीखेंगे, यूनिट वाइज क्या रहेगा, और फिर आगे कंटेंट वीडियो उसके अंदर रहती है। इंट्रोडक्टरी वीडियो 2 से 5 minutes लंबी नहीं, ये सब शायद पता भी होगा, और वही आउटकम उन सब में उसके अंदर क्या रहता है ये सब करते हुए इसमें बनाते हैं। इसमें गाइडलाइन ये है कि जो भी हम इसमें यूज करते हैं जैसे 75%
कंटेंट या ग्राफिक्स ये वो 25 इंस्ट्रक्टर का जैसे फेस कुछ चीजें हमें जैसे उच्चारण में हम उनको बोल के ही दिखाना है कि जिह्वा कहाँ स्पर्श होती है, तो उसी समय कैमरा जो है वो इंस्ट्रक्टर के फेस को दिखाता है। ये शायद टेक्निकल टीम को ज्यादा और पता रहती है। बस हमारा जो कंटेंट है वो प्लेजरिज्म वगैरह कि हम ये नहीं है कि कोई भी फोटो कहीं से भी उठा करके इस प्लेटफॉर्म पे डाले, कोई कहीं से भी उस पे क्लेम कर सकता है। और संस्कृत की फोटो मिलती भी बहुत कम है, तो बहुत सारी तो ग्राफिक्स करवानी भी पड़ती हैं, पर होता है ग्राफिक टीम को संस्कृत का ABC भी नहीं आता है और हम संस्कृत वालों को वो ग्राफिक्स का ABC भी आ पाता है। तो अभी थोड़ी सी चल रही है, पर वही है ना चैलेंज है हमारे सामने। तो आविष्कार जो तभी होगा जब आवश्यकता की पूर्ति कर रहे होंगे हम। फिर कुछ है ये जैसे हमारा जो वीडियो बनाते हुए जब जाएं ग्रीन कलर को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो क्रोम पर करते हैं, स्ट्रिप वाली शर्ट वगैरह ना हो क्योंकि उसमें जब ऐसे स्क्रीन में दिखाई देता है ना जब धारियों वाला कमीज या शर्ट होगा तो उसमें ब्लर होता है, स्क्रीन हिलती है। और ग्रीन कलर तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, TV फ्रेम पर आते हैं जब कहीं पर भी। और वही और प्रैक्टिस के लिए क्या है कि हमारी वीडियो केवल ऐसी नहीं लगे कि हाँ सामने कंटेंट है उसको टीचर पढ़े जा रहा है, उसमें टेलीफोन यूज होता है, पर वही उस विषय को लेकर के ये सोचना है कि हाँ इसको कैमरे को ही सिखाना है, इतने जड़ कैमरे को सिखाने की जब जद्दोजहद वहां सामने होती है तो अनायास ही ऐसा होता है कि टीचर उसमें पढ़ाने वाला है वो उस विषय के साथ इन्वॉल्व होगा। और इसलिए हमारी जो स्क्रिप्ट है उसकी आउटलाइन थोड़ी सी, क्योंकि कैमरे के आगे जब अभ्यास होता है सामने विद्यार्थी उनके स्तर को देख करके टीचर अपने आप ही उनका उनके अनुसार जो भाव है ज्ञान है वो स्तर तक पहुंचता जाता है। तो इसलिए हमारे पास आउटलाइन PPT के साथ उस पे जाएंगे तो हमने तो ब्लैंक हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कैसे आगे क्या बोला जाएगा। और तो डायनेमिक डिलीवरी होनी चाहिए ये सोच करके कि ये अंतिम प्रयास है। और वो सब चीजें कि कैमरे के बिल्कुल ठीक सामने देखते हैं तो सुनने वाले को लगता है कि हाँ मेरे साथ ही आई कॉन्टेक्ट है, अगर नीचे देख रहे हैं तो उसको लगता है किसी और के लिए ही बोल रहे हैं। तो कैमरे के बिल्कुल सामने किसी भी एक स्टूडेंट जो नालायक स्टूडेंट उसको सोच करके अपना पूरा लेक्चर उसमें दे दीजिए और उसके अंदर और सारी चीजें जो है वो विजुअल उसके डिस्क्रिप्शन सारी अच्छे से दिखाई दे हमारी जिम्मेवारी रहती है। इसलिए जब भी ये हम वीडियो कर देते हैं उसके बाद हमारे पास वो रिव्यू के लिए आती है कि रिव्यूवर भी हमें भेजने होते हैं तो उसकी अच्छे से रिव्यू कीजिए, बहुत सारी गलतियां मिलती हैं। हमारा कोर्स हमारी एक जैसे संतान की तरह हो जाता है कि जैसे उसको उसके कैसे उसमें एनरोलमेंट बढ़ाना है ये मेरी जिम्मेवारी है इसको आगे तक लेके जाने के लिए। तो उसमें किसी भी तरह की जो ग्राफिक टीम है वो क्या कर देती है क्या नहीं है हमें पता है कि मेरा स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो है हमारा कन्वेंशनल स्टडी पढ़ाते हुए वहां से देख करके कि कैसे या हमने स्वयं जब सीखा था तो कैसे रिक्वायर्ड था कि टीचर उसको बताए, तो उस तरह से करते हुए उसमें करना है। कुछ है ये जो बाद की टीम है कि हमने वो उसका जब यहाँ पर वीडियो स्टूडियो जो बनाना है स्टूडियो बनाया जाए तो उसमें जो स्वयं पोर्टल की रिक्वायरमेंट है जैसे दिखाया था ना इसमें इतनी रिक्वायरमेंट रहती है उस साइज की वीडियो बने वही उस पर अपलोड हो पाएंगे। अगर यहाँ से हम रिकॉर्ड करके फॉर एग्जांपल इग्नू के साथ कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो भेजा है वो उनके डायमीटर वगैरह में उनका एंटायर जो है ग्राफिक हुई है उस तरह से या नहीं है या वहां से रिक्वायर्ड है ये भी हो सकता है कि यहाँ से हम केवल सीधा वो रिकॉर्ड करके भेजा है और उनसे अपेक्षा है कि वो उसके अंदर ग्राफिक्स का काम करें। तो ये भी करके जब एक यूनिवर्सिटी उनके साथ बात करेगी उस प्रशासन लेवल पर अलग तरह की चलती है। एक बस ये जो कोर्सेरा है उनका दिखाना चाहती हूँ मैं कि वो लोग क्या करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही नीचे उनका शब्दों में आ जाता है और वो जो बोल रहे हैं वो उस लाइन में कहाँ है वो चीज भी हाईलाइट हो जाती है। तो देखना ये चलेगी अभी, ये भी इनका एक है मिरेकल ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स का एक कोर्स है। इसमें इन्होंने जैसे जब ये ऊपर हम वीडियो चलाएंगे तो नीचे देखो इन्होंने 0.03 पर वो स्पीकर क्या बोल रहा है वो हाईलाइट होता है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ इंग्लिश में बोल रहे हैं और पढ़ने वाला मान लीजिए हिंदी है उसको उसकी प्रोनंसिएशन के साथ मैचअप करना मुश्किल है तो वो वहां रीड कर सकता है कहाँ है उसके साथ। तो ये चीज हम आइडिया उस ग्राफिक टीम को देख सकते हैं कि मेरे को अपने कंटेंट में ऐसा चाहिए
तो ये चीजें उनसे ही करा सकते हैं। तो ये कोर्सेरा जो है ये बहुत अच्छे से, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ये हम करा सकते हैं। और इधर लेफ्ट साइड देखिए, इन्होंने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो बताएंगे कि इस वीक में आपको वीडियो है, जब आप देख लेते हैं तो क्लिक हो जाती है और ये चीज इंस्ट्रक्टर के पास भी पहुंचती है कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने ये वीडियो देख लिया। इनके रिमाइंडर मैसेज भी आते हैं कि आपकी वीडियो इतने टाइम की लेफ्ट रहती है, उसको कंप्लीट कीजिए। दूसरा, हम वीडियो के साथ साथ जैसे कुछ स्टडी मटेरियल भी देते हैं, तो स्टडी मटेरियल में फॉर एग्जाम्पल हमने लिंक दे दिया किसी एक और ऐप उसका गूगल का परमिशन के साथ, ये प्लेजरिज्म पूरा फॉलो करते हुए। अब उस लिंक में से देने के बाद जो असेसमेंट है उसमें जरूर पूछे प्रश्न, जिससे कि ये हो कि हाँ उसने वो रीडिंग पढ़ी है कि नहीं दी है। तो कुछ रीडिंग्स तो होती सजेस्टिव जो हमें देनी रिक्वायर्ड है स्वयं कोर्स पर भी, कि उसको पढ़ी या ना पढ़ी उसकी इच्छा, पर कुछ होती है नेसेसरी जो कंपल्सरी है, वो मैंडेटरी है, वो पढ़नी ही है। केवल वीडियो में हम इतना सारा कैसे घुसा सकते हैं कंटेंट को, तो उस रीडिंग मटेरियल में से जैसे कोट करते हुए कि उस मान लीजिए हमने कोई रिसर्च आर्टिकल उनके साथ शेयर किया है कि वो उसको पढ़ी इस विषय पे, तो उसमें पूछे कि उन्होंने फला उसमें प्रेजेंट किया है तो क्या ये दिया है या नहीं, तो जिसे नहीं देखा है उस क्वेश्चन को देख करके वो उस रीडिंग को पढ़े। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल और नेशनल उस पर है इनके माध्यम का यूज करते हुए हम अपनी जो कोर्स है उसको कैसे लर्नर सेंट्रिक बना सकते हैं, केवल अपने लिए नहीं, अपने सीवी के लिए नहीं, अपने कैश के लिए नहीं, बल्कि स्टूडेंट हमारी वो ज्ञान परंपरा आज तक कैसे सरल रूप से पहुंचती रहे, इसके लिए जितना इंगेजमेंट चार तरह का इसमें था उतना ही पहले हमारी ओर से होगा, तब उसके अंदर हम अच्छे से अच्छा अपना कोर्स बना सकते हैं। आशा है अच्छा लगा होगा। थैंक यू। डॉक्टर सोनिया महोदयाभ्यः भूरिशः धन्यवादाः। अनया महोदया या रीत्या विषयस्य प्रतिपादनं कृतं, वस्तुतः वयं सर्वेपि लाभान्विताः। कथं सहजरीत्या विषयं प्रस्तुतवती महोदया। इदं कौशलं महोदयायाः अस्मात् कारणात् वर्तते यत् एषा वारं वारं पाठयति मूक्स् मध्ये, LMS मध्ये, ऋग्वेदिक एषा PhD कृतवती दशममण्डले, कथं मन्त्राणां कीदृशी स्थितिः वर्तते सम्यक् प्रकारेण, पुनः स्नातकस्तरे स्वर्ण पदकमपि प्राप्तवती, अतः प्रतिभावती वर्तते। वयं सर्वेपि कृतकृत्याः। इदानीं यदि भवत्सु प्रश्नाः वर्तन्ते, जिज्ञासाः वर्तन्ते, भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, भवत्याः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र मैडम् अस्माकं शोध छात्रापि वर्तन्ते, यदि जिज्ञासवः सन्ति भवन्तः। अस्माकं दर्शनविभागस्य अध्यक्षाः महेश शर्मवर्याः इत्यपि किमपि पृष्टुमिच्छन्ति भवन्तः, पृच्छन्तु। एते तद् LMS मध्ये भवान् पाठं कर्तुं? नहीं, मेरा तो ये पूछना था, मैंने जैसा कहा बहुत अच्छा लगा मैम, पहले तो बहुत धन्यवाद। और ये वास्तव में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, संस्कृतज्ञ काचित् एवं वदति तदा श्रुत्वा आकरणे दृष्ट्वा च मनसि हर्षातिरेकः अजायत। धन्यवादार्हः भवति। मेरे को कुछ पूछना नहीं है, मेरे को ऐसा था कि जैसे संस्कृत का आपने इतना ही अच्छा बताया बनाया, तो फिलॉसफी को चूंकि जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज पढ़ाते हैं, आपके यहाँ इग्नू में भी यदि पढ़ाते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ का दर्शन शास्त्र पढ़ाना और संस्कृत यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग में पर्याप्त अंतर है। वो लोग जब फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो उनका तो पूरा वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी दोनों मिला के होता है। मेरे तो ये मतलब मेरी जिज्ञासा है कि आप इस पर कुछ कहें कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में जो दर्शन शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, रामानंद दर्शन, जैसे यहाँ पे स्पेशली हम लोग पढ़ाते हैं, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जगतगुरु रामानंदाचार्य, तो व्याकरण का तो जैसे आपने अष्टाध्यायी का, और मुझे लग रहा है शायद आपका विषय व्याकरण से संबंधित रहा हो,
इसको कैसे अपन इससे जोड़ें, क्योंकि पूरे स्वयं पर मूक पर दर्शन शास्त्र को, संस्कृत यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र को जो ट्रेडिशनली उसकी स्टडी है संस्कृत में, उसको लेके कुछ भी नहीं है, शून्य है, उसमें क्या किया जाना चाहिए? सर ये जैसे आपने मतलब मेरा जो विषय क्षेत्र रहा, मैं एग्जांपल वैसे ही देती हूँ, मैं वैसे पहले कॉमर्स की स्टूडेंट थी, हाँ फिर वही बोले तो कहीं रिको, तो जैसे उसके बाद जब संस्कृत सीखी तो उसमें मुझे मैथ अच्छा था, तो उस विषय में क्या है व्याकरण ने मुझे अट्रैक्ट किया, जो उसकी सिद्धियाँ सिखाना था वो। उसके बाद जब मैंने विषय लिया लिंग्विस्टिक्स उसमें साथ में जोड़ा, तो कुछ क्लासेज डीयू से मैंने पीएचडी की हैं, तो एमए लिंग्विस्टिक्स की अटेंड करके देखी कि वो लोग जैसे हम परंपरागत पढ़ते हैं सिखाते हैं, पर जैसे हर एक 10 साल में पढ़ने की सीखने की प्रवृत्तियों में आज हम छोटे बच्चों को देखते हैं एक परिवर्तन आता जो स्वाभाविक है। तो कुछ तो चीज़ें जैसे इसमें यहाँ देखी, इसलिए मैंने एक लघु अष्टाध्याय दिखाई उसमें, तो ये अब प्रयास किया कि हम एक तो वो शास्त्र जो आप गंभीर शास्त्र कह रहे थे वो परंपरा भी जीवित रहनी चाहिए, उसमें एनरोलमेंट इतना बढ़ेगा वो जरूरी नहीं है, पर वो चीजें प्लेटफॉर्म पे जरूर आ जाएं कि पता नहीं कब किस उसमें उठा करके कोई देखे तो वो विषय अछूता ना रहे। उसी में ही हम जैसे दर्शन में मेरी इतनी गति या इतना सूक्ष्म रूप से अध्ययन नहीं रहा है जितना व्याकरण और वेद को मैं देख पाई हूँ।